Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech, myself Umar Tasqeer. Guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक और फील्ड की बात करेंगे, एक और ऑप्शन की बात करेंगे जो हमें मिलता है यहाँ पर App Store Connect के अंदर, या हमारी जो App Store की लिस्टिंग है जिसको हम प्रोडक्ट पेज भी बोलते हैं, वहां पर हमें मिलता है। सो ये ऑप्शन है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर प्रमोशनल टेक्स्ट, राइट। हम लोगों ने बात करी कीवर्ड्स की, हम लोगों ने बात करी टाइटल्स की, सब टाइटल्स की, बट यहाँ पर एक और फील्ड हमको मिलती है, एक और ऑप्शन मिलता है विच इज प्रमोशनल टेक्स्ट। तो ये प्रमोशनल टेक्स्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर रखनी है, किन किन चीजों को हमें यहाँ फिल करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रमोशनल टेक्स्ट फील्ड में जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो दिखता कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो गाइज, ये एक्चुअली आपको दिखता है डिस्क्रिप्शन से ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, ये हम लोग आ गए हैं जो हमारा प्रोडक्ट पेज है, आप इसको प्रोडक्ट पेज समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है, राइट, इसके ऊपर मोर पे आप क्लिक करेंगे, नीचे पूरा आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, यहाँ पर ये एक्चुअली प्रमोशनल टेक्स्ट आपको दिखता है, राइट। तो आपको ध्यान क्या रखना है, राइट, आपके पास अगर अभी iOS प्लेटफॉर्म हो, राइट, तो आप जाकर किसी भी ऐप का चेक कर सकते हैं, अगर उसमें प्रमोशनल टेक्स्ट यूज हुआ होगा तो वो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर दिखता है आपको, राइट। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको प्रमोशनल टेक्स्ट दिखेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें हमें क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भैया रैंकिंग फैक्टर नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो कि प्रमोशनल टेक्स्ट फील्ड में हम कीवर्ड्स रखेंगे और उन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा ऐप रैंक हो जाएगी एप्पल ऐप स्टोर में, तो ऐसा नहीं है। रिमेंबर, ये कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है। इसकी जो कैरेक्टर लिमिट है वो 170 कैरेक्टर्स है। एंड ये सबसे यूनिक चीज इसके बारे में ये है गाइज कि प्रमोशनल टेक्स्ट फील्ड ही एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारे प्रोडक्ट पेज पे हमको दिखता है, जिसको एडिट करने के लिए हमें वापस जो है ऐप को दोबारा सबमिट नहीं करना पड़ेगा, दोबारा उसका वर्जन नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी, फाइन। तो यहाँ पर आप देखो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते, दीज ऑल आर लॉक्ड, बट प्रमोशनल टेक्स्ट आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप उसको चेंज कर सकते हो, आपको बार बार ऐप सबमिट करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड इट अपीयर्स अबव द डिस्क्रिप्शन, जिसकी मैंने शुरुआत में ही आपसे बात की थी। अब इसको किस लिए यूज करना है, तो सबसे पहले बात, जैसे कि इसका नाम है प्रमोशनल टेक्स्ट फील्ड, इसको आप प्रमोशन के लिए यूज करें, कोई अपकमिंग फीचर्स आप लॉन्च करना चाहते हो उसके लिए यूज करें। बेसिकली आपको जो भी विजिटर्स आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ रहे हैं उनकी अटेंशन सीक करने के लिए आपको इसे यूज करना है, राइट। अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट्स यहाँ पर यूज करने हैं, या आपको प्रमोशनल यहाँ पर एलिमेंट्स यूज करने हैं। ऐसा नहीं सोचना है यहाँ पर हम कीवर्ड्स जो एंटर कर देंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी ऐप जो है वो रैंक कर जाएगी, वो नहीं होने वाला है। टाइम सेंसिटिव कंटेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कोई सेल वगैरह की बात हो रही है, राइट, सेल्स वगैरह की बात हो रही है, तो उसका आप लिख सकते हैं कि सेल जो है वो एंड हो रही है नेक्स्ट वीक, या 15 डेज बचे हुए हैं सेल्स एंड होने में, तो आप इसको इस तरीके समझ सकते हो, फाइन, कि यहाँ पर आप कन्वर्जन्स करा सकते हो, कन्वर्जन्स करा सकते हो थ्रू वेरी वेल प्लान्ड CTAs, जो हमारे कॉल टू एक्शन होते हैं उनके थ्रू आप यहाँ पर कन्वर्जन्स करा सकते हो। तो बड़ी स्ट्रेटेजिकली आपको इसको भी यूज करना है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी लिखा हुआ है प्रमोशंस किस तरीके से आप कर सकते हैं, शॉप ऑनलाइन एंड सेव इन आवर समर सेल, गेट अप टू 50% ऑफ ऑन एवरीथिंग। तो दिस इज एक्चुअली प्रमोशन। कोई अपकमिंग फीचर है, राइट, जैसे आप बोल रहे हो कोई भी नई चीज आप लॉन्च कर रहे हो, जैसे मैं अपनी ऐप में क्विज लॉन्च करने वाला हूँ, राइट, सो क्विजेज कमिंग सून, फाइन। तो इस तरीके से अपकमिंग फीचर्स के बारे में, टाइम सेंसिटिव कॉन्टेंट जैसे हम लोगों ने लिखा ऑफर एक्सपायरिंग सून, दिस इज बेसिकली टाइम सेंसिटिव कॉन्टेंट, राइट। शॉर्ट पिचेस और टैग लाइन्स, ये भी आप यूज कर सकते हो। कन्वर्जन्स थ्रू CTAs, तो ये मैंने ये सारी चीजें जो आपको इस तरीके से यूज करनी, सो दैट यू कैन गेट सम कन्वर्जन्स एंड ऑल दीज थिंग्स शुड बी सम CTAs, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, राइट। क्विज कमिंग सून, सो दिस इज अगेन द कॉल टू एक्शन, अगर वो आपके ऐप के ऊपर आए हैं और वो ऐप उनके रिलेवेंट है तो वो डाउनलोड कर लेंगे, बिकॉज दे नो कि क्विज की उनकी जरूरत है, राइट। ऑफर एक्सपायरिंग सून है, तो क्या होगा कि उनको देखना है कि कौन से ऑफर्स हैं जो एक्सपायर हो रहे हैं, राइट, यहाँ पर जो है सेल चल रही, तो क्या सेल चल रही है, तो दीज आर बेसिकली एक्शन ड्राइविंग थिंग्स, राइट, एक्शन ड्राइविंग थिंग्स है ये सारी। तो ये कुछ ना कुछ एक्शन ट्रिगर कर सकती है यूजर, और एक्शन क्या है यहाँ पर, एक्शन तो है भाई पहले तो ऐप को इंस्टॉल करवाना है। सो गाइज, बस इस बात में हमें ध्यान रखना है कि प्रमोशनल टेक्स्ट फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये चीज चेंज होने वाली भी है, वेरिएबल चीज है, प्रमोशंस फीचर्स शॉर्ट पिचेस टैग लाइन ये सब चेंज होती रहती हैं।
तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, बल्कि बट ये एक कोई किसी भी तरीके का रैंकिंग फैक्टर नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि एक रैंकिंग फैक्टर है तो ये रैंकिंग फैक्टर नहीं है। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, बहुत ही छोटा सा ऑप्शन है बट आपको यूज करना चाहिए। हाँ, आप चाहें तो कीवर्ड सेंटर कर सकते हैं। एक और चीज, आप चाहें तो कीवर्ड सेंटर कर सकते हैं, और उसके पीछे मैं रीजन अगर आपको बताऊं तो रीजन ये है कि जैसे यूजर ने कोई क्वेरी करी, राइट, और वो क्वेरी कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड की क्वेरी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्वेरी, और वही कीवर्ड उसे टाइटल में दिखता है, उसी कीवर्ड से रिलेटेड चीज उसे सब टाइटल में दिखती है, उसी कीवर्ड से रिलेटेड चीज या वही कीवर्ड एक बार उसे प्रमोशनल टेक्स्ट में भी दिख जाता है, तो उसे लगता है ये चीजें रिलेवेंट है, राइट। तो एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये चीज, बल्कि ये चीज है हमारे यूजर्स के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा प्रमोशनल टेक्स्ट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।